अगर आप लोग हमारा साथ दोगे, क्योंकि ये मोदी सरकार रोजी और रोटी दो छीनने जा रही है। अगर आप लोगों ने आप हमारा साथ नहीं दिया तो ये रोजी भी मिटाएगी और ये रोटी भी आपके मुंह से खत्म हो जाएगी। तो हमारा जोड़ का अनुरोध है सभी व्यापारी दुकानदार कर्मचारी भाइयों से, वह आज साथ दे दो ताकि मोदी सरकार को पता लग जाए आज जितने भी वर्ग है किसानों के साथ खड़े हैं और ये तीनों काले कानून वापिस लेने पे मजबूर हो जाए मोदी। तो मैं सभी कैथल के व्यापारी भाइयों से धन्यवाद करूँ जो हमारा इतना सहयोग दे रहे हैं। लगातार कृषि कानूनों को लेकर किसान यत्न और प्रयत्न जो है वो लगातार कर रहे हैं। पिछले लगभग 4 महीने का समय हो गया है और किसान कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे हैं और हर जिले में किसान जो है कृषि कानूनों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहा है। वहीं अगर आज की बात करें तो किसान संयुक्त मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया है और उस भारत बंद को लेकर भारत बंद किया गया है और चक्का जाम जो है वो जीटी रोड पर किया गया है, एनएच पर किया गया है, नेशनल हाईवे पर किया गया है। वहीं समय कैथल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों द्वारा जो शहर है वो बंद किया जा रहा है। तस्वीर इस समय कैथल के भगत सिंह चौक की है जहां तमाम किसान जो हैं वो जो दुकानदार हैं उनको बंद कराने के, उनकी दुकानें बंद कराने के लिए उनसे निवेदन जो है वो कर रहे हैं। लेकिन 4 महीने से ऊपर का समय होने को है लेकिन सरकार जो है इन कृषि कानूनों को लेकर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। और साफ तौर पर सरकार की तरफ से जब भी बयान आया है, बातचीत हुई है, तो सरकार ने ये कहा कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन किसानों का ये कहना है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापस नहीं होगी। लेकिन देखना यह है कि अब सरकार पर कोई इसका फर्क पड़ता है, भारत बंद को लेकर कोई फर्क पड़ता है, या जो किसान है उनके द्वारा जो यत्न और प्रयत्न जो किए जा रहे हैं उनको लेकर कोई फर्क जो है वो सरकार पर देखने को मिलेगा। लेकिन 4 महीने से अब तक का जो समय हुआ है वो अभी तक जो है सरकार पर कोई दबाव जो है वो बनाने पाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है लेकिन वो फ़ोन कॉल की दूरी अभी तक तय नहीं हो पाई। और किसानों से 12 दौर के वार्तालाप के बाद अब तक कोई भी वार्तालाप जो है वो नहीं हुई पाई। लेकिन साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि सरकार जब तक इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक घर वापस नहीं करेंगे। सीजन अब भले ही सर पर हो, हमने अपने बीवी बच्चों को जो है सब यंत्र जो औजार हैं वो सिखा दिए हैं ताकि हम किसान आंदोलन पर जो है डटे रहें और हमारी जो फसलें हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो काटते रहें। लेकिन आज भारत बंद को लेकर कैथल में असर देखा गया है। तमाम दुकानदारों ने किसानों का समर्थन किया है और उस समर्थन को लेकर दुकानें भी बंद की गई हैं और जो किसान उन्होंने जो अनुरोध किया है उस अनुरोध को भी माना है। लेकिन सरकार को देखना है कि आने वाले समय में क्या कुछ रुख अपनाती है, क्या ये कृषि कानून वापस होंगे, क्या किसान घर वापस होंगे, ये कहीं ना कहीं अभी तक एक सवाल जो है वो बना हुआ है जिसका जवाब अभी तक ना तो सरकार के पास है और ना ही किसानों के पास है। लेकिन किसान जो है वो अपने आंदोलन को ऐसे ही बरकरार करते रहेंगे जब तक ये कृषि कानून वापसी नहीं होंगे। भारत बंद के लिए जो बंद है आप सभी दुकानदारों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी सभी दुकानदार भाई इसके अंदर किसानों का समर्थन करें क्योंकि ये काले कानून सिर्फ हमें नहीं सबको खत्म कर देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं भी सारे भाई हमारा समर्थन करते, हमारे साथ मिलकर इस भारत बंद में हमारा शो करें। तो किस तरह का समर्थन जो है लोगों का मिल रहा है, दुकानदारों का मिल रहा है?
आप खुद देख सकते हो, हमारे साथ 100 में से 100% का समर्थन हमारे साथ है और सारा बाजार हमारा बंद है। तो आप मुझे काटती है, क्या मानते हैं कि ये कृषि कानून जो लागू किए गए हैं वो उनका फर्क जो है वो किस किस पर पड़ेगा? आप कुछ सहयोग जो इसका कर रहे हैं, जो कृषि कानून सरकार ने लागू किया है इसका बहुत ज्यादा फर्क मजदूरों पर, व्यापारियों पर, किसानों पर पड़ेगा। अभी तो ये जब सरकार कहती है भाई हमने ये किसानों के लिए लागू किए हैं और किसान ही कहते हैं इनको वापस करें, तो सरकार का जरूरत क्या है इन कानूनों को लागू करने की? और लड़ाई कब तक सोच रहे हैं? 4 महीने का समय हो गया है, ये लड़ाई का नहीं पता जी। जब ये कानून वापस नहीं हो गया ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। क्या रास्ता निकले? रास्ता कुछ नहीं है, ये नहीं रास्ता काटता ना, इसी तरह बंद रखेंगे, इसी तरह हड़ताल रखेंगे, इसी तरह जुलूस काटेंगे। आगे आने वाला सीजन है, कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार इसलिए नहीं मान रही कि आगे सीजन है। कोई चक्कर नहीं है, किसान अपने सीजन के लिए वापसी आएंगे? नहीं आएंगे, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। सरकार क्यों नहीं मान रही? सरकार नू नहीं मानती, उनको पैसा नहीं मिल रहा। तो पैसा मांग रही है? पैसा ही है, जब दवा बिचौली है गवर्नमेंट, वो कहते हैं किसान आरती का बिचौलिया है, क्या देते हैं बताओ? 2000 रुपए में ओपन ऑक्शन में कणक बिकती है, गवर्नमेंट लेती है या प्राइवेट, मानने कौन सी दलाली? 2000 के हम 1600 रुपए तो देते हो, फिर तो हम दलाल हैं? दलाल अपनी मेहनत करते हैं, किसान अपनी मेहनत करता है। ये जो कानून बनाया है किसानों को उजाड़ने के लिए, व्यापारियों को उजाड़ने के लिए। भारत बंद है उसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है और दुकानदारों से अपील कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स दुकानदारों का मिल रहा है? दुकानदारों का जब से देश बंद हुआ है इससे बढ़िया रिस्पॉन्स कभी नहीं मिला, पूरा सहयोग कर रहे हैं, चाहे आड़ती एसोसिएशन है, सब्जी मंडी एसोसिएशन है, ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, चाहे टिम्बर मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, चाहे लकड़ मंडी है, चाहे लोहा मंडी है, रेड़ी फड़ी गरीब सब पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, शिक्षक कर्मचारी सहयोग दे रहे हैं, पूरा सहयोग है, तो हर जगह से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। बहिवाल साहब, भारत बंद का काफ़ी बार कर चुके हैं आप लोग, जाम चक्का जाम काफ़ी बार कर चुके हैं, 4 महीने बीतने को हैं लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, आगे और क्या कुछ कार्रवाई जो की जाएगी? क्या किसान वापस लौटेंगे? सरकार के बीच में कोई वार्तालाप हो पाएगी? आज का भारत बंद, आज के दिन 4 महीने पहले दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर किसानों ने जाके अपील करी थी, धरना लगाया था, इसलिए आज 4 महीने हो चुके हैं, 120 दिन ये भारत बंद करके सरकार से ये एहसास करवा रहे हैं कि इतना बेरहम कोई भी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ये जन आंदोलन बन चुका है, ये आगे इस बीजेपी सरकार ने सोचना है कितना और नुकसान इनकी राजनीतिक पार्टी का वो करवाएंगे। आज सभी चाहे सांसद हैं मंत्री हैं बेचैनी लगी हुई है क्योंकि जनता उनको ओन नहीं करती, जनता में जनाधार खत्म हो चुका है। आज का बंद ये मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास है और हम ये बता देना चाहते हैं ये आंदोलन अब आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन है। इसके लिए मोदी साहब अगर यूँ सोचते हैं कि दबाव से या ये गलत फहमी है कि ये ज़्यादा दिन से आंदोलन टिक नहीं पाएगा, ये उनकी गलत फहमी है, आंदोलन जमा रहेगा, सीजन भी चलेगा और सीजन में और लोगों को जागृत करेंगे क्योंकि संपर्क बढ़ेगा और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, मंडियां बेचनी बंद नहीं होंगी और जब तक ये निजीकरण बंद नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। बहिवाल साहब, आपने अंग्रेजों की बात की, अंग्रेजों के समय में नारा दिया गया था भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा दिया गया था, क्या अब भी कोई नारा दिया जाएगा? अब ये नारा है सभी का कि जो देश के खिलाफ आज विश्वासघात कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अरे जनता के साथ जो वादा किया था वो वादा आप पूरा करो, इसलिए अब ये वादा खिलाफी आंदोलन है और जो काले कानून लेकर के कारपोरेट घरानों को ये लाभ पहुंचाना चाहते हैं उसके खिलाफ ये आंदोलन है कि यदि मोदी सरकार देश को बेचेगा और देश की बोली लगाएगा वापिस मुड़ के नहीं आएगा, ये आज का हमारा नारा है। सर, तमाम किसान जो है तमाम प्रयत्न जो है वो कर चुके हैं लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकला, आज भारत बनता है। मोहन भाई, इस तानाशाही सरकार से, इस जुल्मी और जालिम सरकार से उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन ये कब तक हमें थकाएंगे? ये हमें थकाने की सोच रहे हैं, किसान आज थकेगा नहीं, किसान इतना मजबूत हो चुका है, ये जन आंदोलन बन चुका है, किसान
आंदोलन भी चलाएगा और अपनी फसलें भी उठाएगा। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो सरकार कैसे मानेगी? अभी तक तो मानी नहीं सरकार ने, मानना पड़ेगा। कब तक चलेगी हमारी तो ये लड़ाई? 2024 तक भी हमारा किसान मोर्चा कह चुका है कि चाहे हमने 2024 तक लड़ाई लड़नी पड़े हम वापस नहीं आएंगे। कभी तो सरकार झुकेगी लेकिन शांति प्रिय रहेंगे। जो हमारा किसान मोर्चा हमें दिशा निर्देश देता रहेगा उसी के अनुसार हम काम करेंगे। भारत बंद क्या कहना चाहेंगे? भारत का जो कृषि कानून वापस नहीं हुए, आज का जो भारत बंद जी उसमें ये है कि जो पूरे भारत में किसानों के साथ साथ गरीब आदमी, व्यापारी आदमी, यहाँ तक कि बाकी साथी नहीं, सारे सारे नहीं बोला, कर्मचारी और अधिकारी भी इससे बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये रोजी रोटी का सवाल है। अगर आप लोगों के इस हिंदुस्तान के जीव के पास रोजी रोटी का सिस्टम नहीं रहेगा तो ये पूरा देश फेल हो जाएगा। और दूसरी बात, आप साथी ने पूछी थी एक हमारे साथी से, भाई आगे हमारा सीजन आ गया तो उसमें क्या होगा? हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चे औरतों ने ट्रैक्टर ट्राली चलानी सीख ली है, ये बाकी औजार चलाने सीख लिए हैं, कंबाइन चलाने सीख लिए हैं, हमारे ऊपर इस बात का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सीजन में घर वापसी नहीं होगी? बिल्कुल वापसी नहीं होगी। हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी हमारे बॉर्डर पे डटे हुए हैं, प्रधान जी बोल रहे थे, इनके भी ताऊ चाचे वहाँ बैठे हैं, हमारे भाई भतीजे बैठे हैं, सारे के सारे साथी वहीं बैठे हैं। सरकार ऐसी क्या चाहती है कि क्यों नहीं वापस कर पा रही? सरकार क्या चाहती है? सरकार का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि अडानी और अंबानी के जो उनसे वादा किया था, जो उनसे वो अपनी बात कही थी, वो उनको पूरा करने के चक्कर में फंस गई है। अब सरकार चाहती भी है भाई किसानों की बात मान लें, मजदूरों की बात मान लें, लेकिन जो ऊपर वाला डंडा है वो डंडा उनको मानने से मजबूर कर रहा है। चलिए, क्या नाम आपका? सुरेश। क्या कहना चाहेंगे आज भारत बंद और सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्या सरकार चाहती है? सरकार क्या चाहती है? सरकार मानती नहीं है। क्यों नहीं मानती? क्योंकि वे बापे हैं सारे। तो क्या आपकी तरफ से प्रयास रहेगा सरकार को मनाने का? हम सरकार के हमने पक्के मकान बना लिए जीटी रोड के ऊपर, जो टिकरी बोर्ड में, वहाँ पे हम डटे रहेंगे। तो फसल के टाइम जब सीजन आ गया तो क्या फसल वापिस लौटेंगे किसान? फसल कर पाने का टाइम, हमने कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब वापिस नहीं लौटेंगे आप? वापिस नहीं लौटेंगे जब तक ये तीन कानून वापिस नहीं होते। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज भारत बंद है और उसको लेकर आज पूरा भारत जो है बंद है और आप दुकानों को भी जो है बंद करवा रहे हैं। देखिए, ये अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है, ये मोदी सरकार ने एक तीर से कई निशान किए हैं, निशाने बनाए हैं, सारे शिकार बना लिए हैं। जैसे इसमें किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, मजदूर भी हैं और कर्मचारी भी हैं। ये सभी को नुकसान होगा इन कानूनों से और सभी इकट्ठे होकर के सरकार के खिलाफ़ लड़ रहे हैं।